गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मैं रवि आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल R&R अपना मोदी केयर में। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मोदी केयर ने जो लॉन्च किया है एयर प्यूरिफायर, उसके बारे में डिटेल में हम आज बात करेंगे और जानेंगे प्रोडक्ट के डिटेल में और उसकी क्या क्वालिटी है, क्या स्पेसिफिकेशन है उसको समझेंगे। और दोस्तों, साथ में हम रेट का भी कंपैरिजन करेंगे कि जो हम बाहर से अगर लेते हैं और मोदी केयर से लेते हैं, अदर ब्रांड को का भी हम देखेंगे क्या डिफरेंस पड़ता है। वो सारी डिटेल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। प्लीज आप एक भी स्लाइड स्किप मत करिए और पूरा आप इस जानकारी को लें ताकि आपको पता चल सके कि मोदी केयर ने कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत के साथ आपको कितना बेस्ट प्रोडक्ट लाया है और बेस्ट प्राइस रेंज में लाया है। दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस सेशन का और वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को मेरा स्लाइड दिख रहा होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, तो हमें पता है कि हमारे लिए एयर की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम सभी लोग अगर खाना नहीं खाते हैं तो कम से कम 21 दिन तक हम जिंदा रह सकते हैं। अगर पानी नहीं पीते हैं दोस्तों तो 3 दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। और उसके बाद अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर, अगर हम 3 मिनट तक एयर ना लें, सांस ना लें, तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए एयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हम दिन भर में लगभग 22,000 सांसें लेते हैं, इतनी बार हम सांस लेते हैं, एयर इनहेल एक्सहेल करते हैं। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। तो दोस्तों, एयर पोल्यूशन एक कॉमन मतलब हो गया है कि अभी तो कोविड काल के पहले का अगर हम देखें तो आए दिन न्यूज में, मतलब दिल्ली हुआ या जितने भी NCR रीजन है और जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ही बैड हो गई थी, जिसके वजह से ये हुआ था कि कई सारे रूल्स गवर्नमेंट ने लगाया कि गाड़ियों को ऑड एंड इवन फार्मूला दिया, और भी क्या कहते हैं, रशेस भीड़ कम हो तो उसमें, वो सब रूल्स निकाले उन लोगों ने। तो उस वो कंडीशन को देख के हम यहाँ पे सर्वे बता रहा है आप लोगों को सर, कि यहाँ पे 29% क्या कहते हैं डेथ होता है लंग्स कैंसर की वजह से, और 24% होता है डेथ स्ट्रोक की वजह से, स्ट्रोक आता है ब्रेन में, और आपका 25% डेथ होता है हार्ट डिजीज की वजह से होता है, और 43% डेथ होता है लंग्स डिजीज की वजह से होता है। तो ये सारे क्या कहते हैं पैरामीटर है, जो कि क्या कहते हैं आप, वो सोर्स जो है WHO से इसको लिया गया है। और उसके बाद हम देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे कि हम फर्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, एयर पोल्यूशन काजेज 8 मिलियन डेथ पर ईयर। तो अगर हम देखते हैं तो 8 मिलियन लोग एयर पोल्यूशन की वजह से क्या कहते हैं एक साल में मरते हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा है। और 92% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रीथ पोल्यूटेड एयर। तो 92% जो पोल्यूशन पॉपुलेशन है उसमें क्या है कि हम ज्यादातर लोग क्या है पोल्यूटेड एयर को सांस में ले रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं वो एयर हमारा प्योर एयर नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, आर यू नॉट सेफ इंडोर आइदर, मतलब अगर हम बाहर की ही नहीं, अगर हम घर के अंदर हैं तब भी हम सेफ नहीं है, हम जो सांस ले रहे हैं, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो प्योर नहीं है। तो हमको इन सब चीज को निग्लेक्ट नहीं करना है, और हमें कितना अच्छी क्वालिटी का एयर हम अंदर ले रहे हैं, और जिससे कि क्या कहते हैं हमारा लाइफ और अच्छा रहे और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो पोल्यूटेड एयर में क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें, पोल्यूटेड एयर में हो सकता है कि इंडस्ट्रियल इमल्शंस हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का है जो मतलब एग्जास्ट होता है वो फ्यूल बर्न होने के बाद, और वाइल्ड फायर्स हो सकते हैं, मतलब झाड़ झाड़ क्या कहते हैं झाड़ियों में कहीं आग लगा है या कुछ है तो उन सब का भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल में से जो चिमनियाँ होती हैं उसके धुएं हो सकते हैं, और बर्निंग ऑफ गार्बेज, मतलब कॉर्नर में कहीं भी कूड़े का ढेर होता है वहां पे अगर फायर किया जाता है तो उसका जो धुआं होता है, डस्ट होता है, वो हो सकता है, गाड़ी का टायर होता है वो सब जलता है, वो सब हो सकता है, और कंस्ट्रक्शन कहीं होता है तो उन सब का भी डस्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें होती हैं जब हम बाहर जाते हैं, जहाँ पे हम
सांस लेते हैं, तो ये सब हमारे साथ इनहेल होके अंदर जाता है। और दोस्तों अगर इंडोर का बात करें तो इंडोर मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हम घर के अंदर आ गए तो क्लीन है, बट क्या होता है इंडोर गेम भी इंडोर एयर भी क्लीन नहीं होता है, इंडोर एयर भी पोल्यूटेड होता है, मतलब बाहर का जो एयर है उससे ज्यादा पोल्यूटेड, 10 गुना ज्यादा पोल्यूटेड होता है। उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे हम देख सकते हैं स्लाइड में, जैसे एयरबॉर्न पार्टिकल में क्या होता है जो हम बाहर लेते हैं उसमें होता है डीजल का एग्जॉस्ट होता है, जैसे जो भी गाड़ियां चल रही है जो डीजल बर्न होता है उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वो हो सकता है, और ब्लैक कार्बन हो सकते हैं, छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में चिमनी से निकलता है वो ऊपर नीचे धीरे धीरे वो नीचे आके जमता है, तो वो ब्लैक कार्बन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, फाइबर हो सकता है, प्लांट मैटर हो सकता है, हेयर हो सकता है, पोलन हो सकता है, और ये जो बाहर हो सकता है ये आपको अंदर भी मिलेगा। और अंदर आपको उसके साथ क्या मिलता है, हाउस होल्ड ऑडर एंड गैसेस, जैसे कि कुकिंग का जो जो हम खाना बनाते हैं दूध होता है सब्जी होता है, इन सब चीजों का जो स्मेल होता है वो आपको रहेगा, और साथ में अगर घर में कोई पेट है जानवर है तो उसकी स्मेल होगी, सिगरेट कोई करता है पीता है स्मोक करता है वो स्मेल हो सकती है, कोई केमिकल है उसका स्मेल हो सकता है, सिंक है, ड्रेनेज है, टॉयलेट्स है, इन सब का स्मेल हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये एयर जो है रूम के अंदर है तो हमारे रूम में ही वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। और उसके बाद और क्या हो सकता है घर में, जैसे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे जिसको हम VOC कंपाउंड्स बोलते हैं, उसमें क्या हो सकता है, पेंट हो सकता है, ग्लू हो सकता है, वार्निश हो सकता है, वुड प्राइमर, प्रिजर्वेटिव हो सकता है, क्लीनिंग सप्लाईज हो सकता है, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, फर्नीचर्स हो सकते हैं, ये सब जितने भी VOC कंपोनेंट्स हैं वो हो सकते हैं, तो इन सब में भी क्या होता है, इन सब की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। और साथ में दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, मोल्ड फंगी हो गया, ईस्ट हो गया, माइट हो गया, और वायरसेस हो गए, तो ये सब जितने भी हैं ये आपको इंडोर मिलेगा, और ज्यादातर आउटडोर में आपको फर्स्ट स्टेज का यही वाला जो मिलेगा एयरबॉर्न पार्टिकल ये मिलेगा आउटसाइड में आउटडोर में, बट जब हम इनसाइड होते हैं तो ये चारों कैटेगरी के मतलब कंटामिनेशन के लिए एयर में ये पाए जाते हैं, तो ये चारों कैटेगरी के जो होते हैं ये इनडोर जो एयर होता है उसको कंटामिनेट करते हैं। तो दोस्तों हमें जरूरत है कि जो हम बाहर एयर ले रहे हैं उसके अलावा हमारा जो घर के अंदर एयर है उसको हमें प्योरिफिकेशन की जरूरत है। क्यों जरूरत है दोस्तों, इसलिए जरूरत है कि हमारा जो 90% टाइम लाइफ का 90% लाइफ का जो स्पेंड होता है, मतलब जो वर्किंग लोग हैं उनको मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, ज्यादातर जैसे हमारे छोटे बच्चे हुए, ओल्ड एज के हुए, जो भी हाउस वाइफ्स हैं उन लोगों को ज्यादातर टाइम घर पे भी स्पेंड होता है, तो अगर हमारा घर का एयर प्योर रहेगा तो उन सब लोगों को प्योर एयर मिलेगा, और हम भी जब वहाँ पे आते हैं रहते हैं तो हमें प्योर एयर मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को सेव कर रहे हैं, अपने लाइफ को सेव कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंडोर एयर क्वालिटी, इंडोर एयर क्वालिटी को हम और अच्छा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आप अपने घर में आप वेंटिलेशन को इम्प्रूव करिए, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करिए मतलब आप अपने खिड़की दरवाजों को बीच में थोड़ी देर के लिए जब भी धूप आता है वैसे होता है तो थोड़ा खोल के रखें, ताकि जो भी अंदर की एयर है वो क्रॉस होती रहे, अगर क्रॉस होती है वेंटिलेट होती है तो जो अंदर की एयर है वो हट के वहां पे फ्रेश एयर आ जाता है, तो ऐसा हो सकता है। और कीप इंडोर प्लॉटेड प्लांट्स, मतलब आपको घर के अंदर मतलब जो छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं फूल के हो सके, छोटे छोटे मतलब गमलों में छोटे छोटे लगाए, जिससे वो क्या होगा वो एयर को प्योर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यूज बेटर बिल्डिंग मटेरियल, जो हम बिल्डिंग मटेरियल यूज जैसे जो भी हम मतलब पेंटिंग और उस तरह की चीजें यूज करते हैं उसको मतलब हाई क्वालिटी का हमें यूज करना है, अच्छा मतलब वैसे नहीं यूज करना है कि जिसमें ज्यादा पॉल्यूटेड कंटेंट पाए जाते हैं, और अवॉइड यूजिंग टॉक्सिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट, तो जो टॉक्सिक होते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट वो सब नहीं यूज करना, जैसे कई सारे प्रोडक्ट है जैसे बच्चों के टॉयज होते हैं उस तरह का नहीं यूज करना चाहिए, उनसे भी उसमें भी टॉक्सिन्स होते हैं, तो ये कुछ हो गया इसके बारे में। और मैं और डिटेल में बात करता हूँ जैसे कि क्वालिटी ऑफ एयर में क्या होता है, प्यूरीफायर क्यों कैसे हम देख सकते हैं,
कि कौन सा एयर प्यूरिफाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, कैसे उसको हम फाइंड कर सकते हैं। पहली बात तो हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा कि चारों जो कैटेगरी होता है पॉल्यूटेंट का, वो इफेक्टिवली वो मतलब क्लीन कर सके, और जो कवरेज एरिया, कितने एरिया को वो कवर कर सकता है जो एयर प्यूरिफायर हम इंस्टॉल करेंगे, और इजी टू ऑपरेट, उसको ऑपरेट करने में इजी होना चाहिए, और स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होना चाहिए, हेपा टेक्नोलॉजी की क्वालिटी होनी चाहिए। तो हेपा टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है एयर फिल्ट्रेशन में, और इफेक्टिव फॉर एयर बॉर्न जर्म्स। तो जो भी एयर बॉर्न जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उसके लिए इफेक्टिव होना चाहिए, वो वहाँ पे काम करना चाहिए। और क्लीन एयर डिलीवरी रेट, तो CADR जो होता है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं कि इसको क्लीन एयर डिलीवरी रेट, तो वो कितने टाइम में कितना एयर क्लीन कर रहा है, कितना मतलब स्क्वायर मीटर एरिया को कितने आवर में क्लीन कर रहा है एयर को। और ब्रांड क्वालिटी क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, जो भी ब्रांड हम यूज कर रहे हैं सर्टिफाइड होना चाहिए, और जो भी मतलब जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट है वो क्या कहते हैं, एक अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, ताकि उसकी वो ब्रांड और क्वालिटी दोनों सर्टिफाइड है। और वारंटी सर्विस अच्छा होना चाहिए, कि प्रोडक्ट का वारंटी होना चाहिए, और सेफ फॉर चिल्ड्रेन मतलब चाइल्ड लॉक होना चाहिए उसमें, और डिजाइन फिट होना चाहिए कि किसी भी घर में उसको हम कहीं भी उसको इजी इजली रख सके, इंस्टॉल कर सके, यूज कर सके। तो ये क्वालिटी होता है, हम प्यूरिफायर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अच्छे प्यूरिफायर के लिए। तो दोस्तों मोदी केयर ने जो प्रोडक्ट लाया हुआ है प्यूरिफायर में कुकू, तो ये एक राइट प्यूरिफायर है। इसमें जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स की हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में बात किया, वो सारे पैरामीटर्स में 100 आउट ऑफ 100 इसको मिलता है। जैसे हम देख सकते हैं 99.9% एयरबॉर्न पार्टिकल को क्लीन करता है, और ये 250 स्क्वायर फीट नहीं, यहाँ पे 550 स्क्वायर फीट तक को भी ये कवर करता है, और इजी टू ऑपरेट है। इसमें कई सारे पैनल कंट्रोल पैनल्स दिए हुए हैं, फैन की स्पीड कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, फिल्टर चेंज का इंडिकेशन है, ऑटो मोड है, आप इसको 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हेपा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तो ट्रू हेपा टेक्नोलॉजी के इसमें फिल्टर यूज किए गए हैं, जो 3 स्टेज फिल्टर है, और यूवी एलईडी इंडिकेटर भी है, और रिमूव करता है 99.9% एयरबॉर्न पार्टिकल जम्स को वो करता है। और इसमें जो हम क्लीन एयर डिलीवरी रेट की बात करें, तो ये 329.23 मीटर स्क्वायर आवर ये क्लीन करता है। और ब्रांड की बात करें दोस्तों, तो कोरिया की नंबर 1 होम एंड किचन अप्लायंसेस ब्रांड जो कुको है, वो ब्रांड है, और ये सर्टिफाइड है, आपका NABL सर्टिफाइड है, इंडियन लैब विद द रिजल्ट ऑन माइक्रोबेल कंटामिनेटेड और VOC और ओजन इन सबसे सर्टिफाइड है। वारंटी सर्विसेज में दोस्तों 3 ईयर का आपको वारंटी मिल रहा है, और सेफ में क्या है, सेफ विद चिल्ड्रेन, जिसमें चाइल्ड लॉक भी फैसिलिटी है, और अल्ट्रा मॉडर्न येट कंपिटेंट प्रॉफिटेबल, मतलब कहीं भी आप इसको, इतना अच्छा यूनिक डिजाइन है, इसमें LED लाइट का इतना अच्छा मतलब सेट है, वो कलर चेंज होता रहता है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, आप कहीं भी कॉर्नर पे रखेंगे, कहीं भी आप इसको मतलब जिस रूम में भी रखेंगे वो अलग ही लुक देता है। और दोस्तों इसमें एक और खूबी है, जैसे नाइट में आपको लाइट से थोड़ा सा भी मतलब माइंड वो हो रहा है, आपको आउट लग रहा है, तो आप उसको लाइट को भी ऑफ कर सकते हैं, काम करता रहेगा बट वो लाइट नहीं जलता। और मैं डिटेल में देखना चाहूंगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये उसका मॉडल दिया गया है कुको एयर प्यूरिफायर, तो इस तरह से कुछ उसका मॉडल होगा, और बेस्ट सेलर फॉर 18+ ईयर्स राइस कुकर, जो कुको की बात कर रहे हैं, तो ये 18 सालों से मतलब राइस कुकर का मतलब बेस्ट सेलर है, और इसका जो कुकर सेल होता है 10 सेकेंड में, मतलब हर सेकेंड में एक कुकर सेल होता है, और कई सारे मतलब वाटर हेल्थ हेल्थ लिफ्टर इज सोन सेल एवरी 1 मिनट, मतलब जो वाटर का प्यूरिफायर है वो क्या कहते हैं, एवरी 1 मिनट में सेल हो जाता है। तो कई सारे ब्रांड इस तरह के वो प्रोडक्ट सेल करता है, मतलब एक बहुत अच्छा ब्रांड है, और फिल्ट्रेशन और टेक्नोलॉजी में भी ये जो प्रोडक्ट इसमें यूज हो रहा है बहुत ही बेस्ट है। और फिल्टर की बात करें तो बहुत इजी होता है, आप इसको इजिली खुद मैनुअल
वो मतलब इतना देखने की जरूरत, मैनुअल इसके साथ आपको मिलेगा, आप उसको ओपन करके खुद इंस्टॉल कर सकते हैं, इजिली यूज कर सकते हैं। और फिल्ट्रेशन फिल्टर्स के बारे में कुछ इसमें दिया गया है, जैसे फर्स्ट आपका प्री फिल्टर होता है। प्री फिल्टर क्या करता है, रिमूव लार्ज साइज पार्टिकल जैसे डस्ट एयर फर्स जो होते हैं उनको रिमूव करता है। और ट्रू हेपा फिल्टर क्या करता है, हेपा फिल्टर ये सेकेंड फिल्टर जो होता है, सेकेंड फिल्टर ये क्या करता है, 99% एयर पार्टिकल्स एंड एलर्जेंस एंड स्मॉल ये साइज दिया गया है 0.3 यूजी सच एज डस्ट प्रेट डेंटर एंड स्मोक मोल्ड पोलन एंड माइक्रोब्स, इन सबको वो रिमूव करता है। और उसके बाद थर्ड जो फिल्टर होता है, इसमें एक्टिव कार्बन फिल्टर होता है जो कि जितने वीओसी के ऑर्डर्स होते हैं, वीओसी के ऑर्डर उसको अनप्लेजेंट ऑर्डर्स जो होता है इन सबको रिमूव करता है, एयर को मतलब ऑर्डर फ्री कर देता है। और यूवी यूवी एलईडी क्या करता है, ये किल करता है जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया मोल्ड्स होते हैं एयरबोर्न, उनको वो किल करता है। तो ये कुछ फिल्टर के टेक्नोलॉजी के बारे में हो गया। और कुछ इसमें पैनल्स लगे होते हैं, इजिली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ में एलईडी इंडिकेटर दिया होता है जिससे कि वो इंडिकेट करता रहता है। और हम बात करेंगे थोड़ा, कई सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे दोस्तों हम यहाँ पे अब आ जाते हैं, बात करते हैं इसके कॉस्ट के बारे में। तो क्यों मोदी के एयर प्योरीफायर का जो कॉस्ट पड़ रहा है दोस्तों आपको 18,999 रुपये का पड़ रहा है। और इसको अगर हम 5 ईयर का लाइफ से अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो दोस्तों ये आपका पर ईयर कॉस्ट जो पड़ रहा है 3,799 रुपये पड़ रहा है। और 3,799 का अगर हम पर डे का कॉस्ट निकालते हैं तो 10 रुपये 50 पैसे होता है। तो दोस्तों हम पर डे कुछ ना कुछ पैसा ऐसा वेस्ट करते हैं कि जिसमें क्या करते हैं हमारे हेल्थ को कुछ भी नहीं मिलता है। कई लोगों का मतलब नशे नशा करने वाले भी, जैसे क्या है कुछ नहीं, अगर हम पान या चाय या कुछ भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स कुछ लेके उसको यूज करते हैं तो क्या है वो हमारे लाइफ के लिए मतलब एक पॉइजन की तरह है। तो लेकिन हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हम कम से कम अगर हम 10 रुपए पर डे अपने फ्रेश एयर के लिए अगर लेने के लिए लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट होगा हमारी नजर में। और इसको हम कंपेयर करते हैं, जैसे दोस्तों लेट्स अंडरस्टैंड दिस कप ऑफ कॉफी, कॉफी और चाय जो हम पीते हैं, एक कॉमन मतलब रेट लिया है 10 रुपए। 10 रुपए का हम अगर एक चाय भी पी लेते हैं तो हमारा चला जाता है। एक समोसा खाते हैं 10 रुपए का चला जाता है। एक पैकेट चिप्स ले लिए तो 20 रुपए चले जाते हैं। एक बर्गर में खा लिया तो 35 रुपए, मिनिमम 35 रुपए का बर्गर हम खा लेते हैं। और एक सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया 45 रुपीज चला जाता है। तो क्यों ना हम केवल 10 रुपए 50 पैसे लग रहा है, एक दिन का कॉस्ट लग रहा है, हम इसको इन्वेस्ट करके हम अपनी चैन की सांस और अच्छी मतलब फ्रेश एयर में सांसें ले सकें। तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और इसको हम लोगों को करना चाहिए। इससे केवल इंडिविजुअली आपको नहीं बेनिफिट हो रहा है, आप फैमिली मेंबर्स हैं, आप इंडिविजुअल पे मत कैलकुलेशन करिए। जैसे आप फैमिली 5 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स के लिए भी वही 10 रुपए पर डे का कॉस्ट पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत यूनिक क्वालिटी है और ये बहुत ही बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है। और मैं मार्केट का प्राइस का मैं बात कर रहा दोस्तों, तो जैसे मार्केट की प्राइस का बात करें तो जैसे कुको इंडिया लॉग इन आप करते हैं www.cucoindia.com में, तो यहाँ पे जो भी ब्रांड यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया हूँ यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली अवेलेबल एट मोदी केयर। तो अगर आप मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं तो आप मोदी केयर से स्पेशली आप इसको ले सकते हैं डीपी पे। और अदर ब्रांड की भी मैं बात करता हूँ दोस्तों, जैसे आप अगर अमेजोन पे जाएंगे और फिलिप्स में आप देख सकते हैं, तो फिलिप्स में जो मतलब क्वालिटी का हम लोग यूज कर रहे हैं उससे थोड़ा सा मतलब प्लस माइनस हो सकता है। बट रेट की अगर बात करें तो रेट आपको 17,499 में यहाँ पड़ रहा है। और दूसरे और भी बात करते हैं, जैसे यहाँ कुकू का भी आपको अमेजोन में मिलेगा और ये आपको हेप्टा फिल्टर इसमें मिल रहा है और ये आपको पड़ रहा है 19,990 में। और ये फिलिप्स का जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको हेप्टा फिल्टर नहीं मिल रहा है, मतलब इंफीरियर क्वालिटी है उससे।
और बाकी और भी अगर इसमें हम बात करते हैं, जैसे कुकू का ये इसमें 19,990 का पड़ रहा है, और यहाँ पे आपने देखा ही वेबसाइट में कुकू के कि ये केवल के और केवल मोदी केयर के ही लिए एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। तो दोस्तों ये था इस प्रोडक्ट के बारे में जो मैं आपको शेयर करना चाहा, और अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों सबसे मतलब एक पॉइंट का बात और भी है कि जैसे कि कोई भी अगर न्यू स्टार्ट करना चाहता है तो इस प्रोडक्ट का जो बीवी और पीवी है बहुत ही अच्छा है। तो हम बात करते हैं, जैसे अगर आपने 18,999 रुपये इसका एमआरपी है और आपको ये पड़ेगा 17,999 में, तो इसमें आपका जो बीवी होगा आपका 8,999, मतलब आपका 50% का बीवी है। 50% का बीवी के साथ साथ आप इसको मतलब सिंगल मतलब प्रोडक्ट परचेज करने के साथ आपको पीवी जो मिल रहा है 333 PV मिल रहा है। तो इजली अगर कोई अगर फर्स्ट टाइम परचेज करता है तो वो फास्टर 10% भी क्वालिफाई करता है। और क्या कहते हैं, हम जो भी एयर ले रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम 5 ईयर एक आपका मिनिमम आपका इसका अगर एज मान के चलते हैं तो 5 to 10 ईयर अगर चलता है तो वो बहुत ही इकोनॉमिकल है हमारे लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने पे। तो दोस्तों ये था जो मैं डिटेल आपके लिए लेके आया और बताया, और उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा अच्छा। और इसी के साथ मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को क्लोज करता हूँ फ्रेंड्स। तो हैव अ गुड डे, गुड बाय।